जय माँ गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे माँ गायत्री का जाप आखिर कौन कौन कर सकता है। कई लोग हमसे ये सवाल करते हैं, तो आज उन सभी को जवाब मिलेंगे। देखिए, गायत्री मंत्र को जगत की आत्मा माने गए साक्षात देवता सूर्य की उपासना के लिए सबसे सरल और फलदायी मंत्र माना गया है। यह मंत्र निरोगी जीवन के साथ साथ यश, प्रसिद्धि, धन, ऐश्वर्य देने वाला होता है। लेकिन इस मंत्र के साथ कई युक्तियां भी हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी युक्तियां आप तक पहुंचनी चाहिए, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको गायत्री मंत्र का अधिक लाभ चाहिए तो इसके लिए मां गायत्री की साधना आपको करनी होगी, गायत्री मंत्र की साधना आपको करनी होगी, और वो भी पूरे विधि विधान के साथ, मन, वचन, कर्म की पवित्रता के साथ ये जरूरी माना गया है। देखिए, वेद माता मां गायत्री की उपासना 24 देव शक्तियों की भक्ति का फल और कृपा देने वाली भी मानी जाती है। इसे भी माना जाता है कि जो सांसारिक जीवन में सुख आपको चाहिए, जो सफलता आपको चाहिए, जो शांति आपको चाहिए, ये सारी आपकी चाहत, सारी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। खास तौर पर यदि हम बात करें तो हर सुबह सूर्योदय या ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐसी ही मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। ये बहुत शुभ माना गया है और बेहद असरदारक माना गया है। आप भी माँ गायत्री मंत्र की शक्ति और शुभ प्रभाव से सफलता चाहते हैं तो जो जानकारी आपको बताने जाने वाले हैं उन जानकारियों का पूरा ध्यान रखिएगा, इन जानकारियों से जुड़े रहिएगा, क्योंकि जब भी आप माँ गायत्री के इस पवित्र मंत्र का जप करेंगे आपको ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। देखिए, माँ गायत्री का मंत्र का जो जप है वो किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। गुरु का होना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि गुरु यदि हमारे जीवन में है तो हमारी जो लाभ की स्थिति आती है, या ये कह सकते हैं कि जो हम सफलता चाह रहे हैं साधना में, वो आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र जप के लिए सुबह का समय सबसे बेहतर होता है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है, किंतु ये शाम को भी किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुबह कर रहे हैं, शाम को भी माँ गायत्री के मंत्र का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के लिए स्नान के साथ साथ मन और आचरण पवित्र रखें। मेरी कोशिश यही है कि मैं समझा सकूं आपको कि आपका मन भी पवित्र होना चाहिए। स्नान करिए, आपका शरीर पवित्र हो, लेकिन मन भी पवित्र हो। सेहत ठीक ना होने पर या अन्य किसी वजह से स्नान करना यदि संभव ना हो तो किसी गीले वस्त्र से आप अपना तन पोंछ सकते हैं। ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि चलिए मैं साफ कर लेता हूं अपने शरीर को, लेकिन उसके बाद आप मंत्र जप करिएगा। साफ कपड़े पहनिएगा, सूती वस्त्र पहनेंगे तो ये ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आसन की हम बात करें तो आसन हमेशा इतना बड़ा रखिए आप कि कुश या चटाई का आसन हो जिसमें आप बैठ सके और आपकी जो शरीर की ऊर्जा है वो माँ धरती को स्पर्श ना करे। ऐसा कहा जाता है कि यदि हम पूजा करते हैं और उस वक्त यदि हमारा शरीर धरती को स्पर्श करता है तो हमारी जो ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो जाती है। तुलसी या चंदन की माला का उपयोग करें तो बहुत बेहतर होगा। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह होने के लगभग 2 घंटे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का आप जप कर सकते हैं। शाम के समय कैसे करें? तो शाम के समय सूर्यास्त के घंटे भर के अंदर जप को आप पूरा कर सकते हैं। शाम को आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठिएगा। देखिए, इस मंत्र का मानसिक जप किसी भी समय किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि यदि आप अपने दफ्तर में हैं, आप कार्यालय में हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, आप यदि अपने स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आप मन ही मन में इसका जो जप का जप कर सकते हैं। मन ही मन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप मन में जप नहीं कर सकते। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि शौच या किसी आकस्मिक रूप के कारण जप में यदि बाधा आ जाती है तो हाथ पैर धोने के बाद एक बार फिर से आप बैठिएगा, क्योंकि कई बार जब आप मंत्र जप करते हैं तो बहुत लंबी अवधि हो जाती है, एक साथ बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक साथ बैठेंगे, यदि हमारी माताएं बहनें इस वक्त हमें देख रही हैं तो ये कई दफा ऐसा होता है और कई बार ऐसा होता भी है कि जो आपके घर की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, दादी हो, आपकी माता जी हो, आपकी नानी हो, या कोई भी हो, जिनकी ज्यादा उम्र हो जाती है, उनको एक जैसे बैठने में समस्या आती है। तो ये समस्या यदि आ भी रही है तो कोई ऐसी बहुत भारी बात नहीं है। आप शौच जा सकते हैं, मुंह हाथ धो सकते हैं और एक बार फिर से आप बैठ जाइए।
एक बात और याद रखिए कि खान पान आपका बेहद शुद्ध होना चाहिए। जिन लोगों का सात्विक खान पान नहीं होता है वो गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आप माँ गायत्री के मंत्र का जप कर रहे हैं उस वक्त आप अपने मन से और अपने तन से पूरी तरह से शुद्ध रहिए। ये आपको प्रॉमिस अपने आप से ही करना होगा, या ये आपको अपने आप में ही तय करना होगा कि मैं पूरी तरह से शुद्ध हूं, उसके बाद ही मैं इस पवित्र मंत्र का जप करूंगा। अब मैं कुछ आपको नियम बताता हूं। देखिए, गायत्री मंत्र सूर्य भौमिक होता है, इसलिए इस मंत्र का जप आप एकांत जगह पर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कोई नदी का किनारा हो, कोई झील का किनारा हो, या कोई ऐसी शांत जगह हो जहां पर आप शांति से बैठे, कोई आपको परेशान न करे, ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं। गायत्री मंत्र शाम के समय इस मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है। सूर्यास्त के साथ साथ मंत्र का जप आप शुरू कर तब तक करें जब तक अंधेरा न छा जाए। जैसे ही सूर्य देवता ढलने वाले होते हैं उसके कुछ देर पहले से आप मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं, और जब तक सूर्य देवता ढल ना जाए, पूरी तरह से अंधेरा ना छा जाए, तब तक आप इस मंत्र का जप जरूर करिएगा। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों में भी लिखा है कि सुबह के समय माँ गायत्री का मंत्र सूर्य उगने से पूर्व करना चाहिए, और खास बात यह है कि खड़े होकर करना चाहिए, और शाम को मंत्र का जप बैठकर करना चाहिए। खड़े होकर आप करेंगे तो उसका एक अलग महत्व होता है, बैठ के करेंगे तो उसका एक अलग महत्व होता है। गायत्री मंत्र का जाप इंसान के अंदर समझ को बढ़ाता है, सीख को बढ़ाता है, जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है ज्यादा बेहतर करने की, ज्यादा नई चीजें सीखने की, ये क्षमताएं हमारे अंदर बढ़ती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमने जीवन में इतना सब कुछ पा लिया है, ये इतना सब कुछ हासिल कर लिया, इसके बाद हमें आगे नहीं बढ़ना है। देखिए, कभी भी रुकिए मत, कोशिश हमेशा जारी रखिए। और यदि आपको लगता है कि कहीं आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा है, या आपको मोटिवेशन की कमी है, आपको ये जरूरत है कि कोई आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करे, तो आप माँ गायत्री के मंत्र का जप जरूर करिए। इस मंत्र के जप से दिल और श्वास की प्रक्रिया सामान्य होती है और एकाग्रता ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। इसके साथ ही साथ गायत्री मंत्र के जप का अनुशासन और तरीका जो है वो बहुत खास होता है, तो ये भी आपको जान लेना चाहिए कि आखिर वो तरीका क्या होता है जिस तरीके के माध्यम से हम इस पवित्र मंत्र का जप कर सकते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र का जप करने के लिए निश्चित जो प्रक्रिया है वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि किस तरीके से आप इस पवित्र मंत्र का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप हमेशा आंख बंद करके आप करें, हर शब्द पर ध्यान केंद्रित करना सीखें, प्रत्येक शब्द या ध्वनि सही तरीके से उच्चारित की जानी चाहिए, यानी जो भी आप इस मंत्र को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, एक बात तय कर लीजिए कि जितने भी शब्द बोले बड़े साफ साफ बोले, भले ही 108 बार ना बोले, 51 बार ना बोले, 50 बार ना बोले, 5 बार बोलिए लेकिन साफ बोलिए। हालांकि इस मंत्र का जाप सबसे फलीभूत सूर्य उगने के पूर्व और सूर्य अस्त होने के बाद होता है, उसके बाद जपना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर रहता है। दिन के किसी भी वक्त शांत जगह पर जाकर आप जप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहां सिर्फ मंदिर हो वहीं जाकर करें, या आपका आपका सोने वाला रूम हो, बेडरूम हो आपका, वहीं जाकर करें, ऐसा कुछ नहीं। आप कहीं भी बैठे, बस शांत जगह हो, कोई आपको परेशान ना करे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, इस जगह पर आप कर सकते हैं। मंत्र का जाप हमेशा विषम संख्या में होना चाहिए, जैसे 11, 21 या 51। 11, 21, 51 इस तरीके जो विषम संख्या होती है, कोशिश करिएगा कि इसमें जाप करें, ये ज्यादा बेहतर होता है। और अंत में जो कई लोग हमसे ये जानना चाह रहे हैं, हमसे पूछते भी हैं कि क्या माया गायत्री के मंत्र का जप महिलाएं कर सकती हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल, माँ गायत्री के मंत्र का जप आप महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाओं को बस ये ध्यान रखना होगा कि जिस वक्त उनका सही समय नहीं रहता है, उस वक्त जब आप पूजा पाठ से दूर रहती हैं, मैं साफ शब्दों में नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे, उस दौरान जो आपका समय रहता है उस दौरान आप पूजा पाठ से थोड़ा दूर रहिए। उस वक्त आप ये कोशिश करिए कि आप मंत्र का जाप ना करें, जब आप पूरी तरह से साफ, पूरी तरह से सही हो जाए, उसके बाद एक बार फिर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। रही पुरुषों की बात, तो पुरुष भी कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप मन और तन से पूरी तरह से पवित्र हो। मैं तो ये कहूंगा कि आप यदि माँ गायत्री के मंत्र का जप कर रहे हैं तो बाहर करने से ज्यादा बेहतर अपने घर में करिए,
अपने घर में करेंगे तो ये मानसिक शांति रहती है, कहीं और जाएंगे दौड़ धूप बनी रहती है, और कई बार ये भी होता है कि सही समय नहीं मिल पा रहा है, और उस दौरान यदि हम जप करते हैं तो हमारा जप भी सही नहीं रहता, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा ध्यान कहीं और रहता है। तो पूरी एकाग्रता होनी बेहद जरूरी है। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और यदि आपके दिलो दिमाग में तो सवाल भी कर रहे हैं, करते जाइए। हमारी भी यही कोशिश है कि उन सवालों के सही जवाब आप तक पहुंचाएं। जय माँ गायत्री।